गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं क्लास सेवन्थ मैथ एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट टू। ठीक है ना, 2.2 का पार्ट वन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, 2.2 का पार्ट टू देखते हैं। हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है सिंप्लीफाई, हमें ओनली क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई हम इसे कैसे करेंगे देखें, हमें गिवन है 3 - 7/6 + 11/12। ओके, 3 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम क्या लगा लेंगे 1। तो 1, 6 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। 1, 6 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 1, 3, 6, 1, 3 और 3, 3, 1, 1। तो 2, 2, 4, 4, 3 या 12। तो 12 आपका क्या गया है एलसीएम। ओके, एलसीएम में हमने क्या करना होता है, 3/1 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, तो आ जाएगा 36। 7/6 को भी किससे कर दोगे 12 से, तो 6 × 12 ये आ जाएगा 7 × 14। प्लस 11/12 को भी किससे कर दोगे 12 से, 12 से 12 कट ये 11। तो 36 में से 14 लेस करोगे 22, प्लस 11 आपका एज इट इज रहेगा। पहले दो वैल्यू को लेस कर रही है और डिवाइड में 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 33/12। यही आपके क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो यही हमने क्वेश्चन फाइंड करना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है 4 = 6/7, 2 = 2/3, 20/21। तो ये हमें जो क्वेश्चन में गिवन है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको सिंपल, अभी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना, तो आपने इसको जो है वो अभी सिंपल फ्रैक्शन में लाना है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखो 4 × 7 प्लस ये ऊपर वाली वैल्यू डिवाइड बाय 7, 2 × 3 प्लस ये ऊपर वाली वैल्यू और डिवाइड बाय 3। और ये तो आपका पहले से ही सिंपल ही है 20/21। 4 × 7 = 28 प्लस 6/7, 2 × 3 = 6 प्लस 2/3, 20/20, 34/7, 8/3, 20/20। ये हमें क्वेश्चन में जो है गिवन है, यहाँ माइनस कर देंगे, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो 7, 3 और 21 इन तीनों का एलसीएम देख लो, 7, 3 और 20। 3 से पहले कट कर लेते हैं 7, 1, 7, 7 से कट कर लेते हैं 1, 1, 7, 3 और 21, 21 क्या आ गया आपका एलसीएम, 21 एलसीएम। तो 34/7 को 21 से ये 3 से कट हो गया, 3, 4 = 12, 1, 3, 3 = 9, 1, 0, 2 माइनस 8/3 को भी 21 से, 8, 7 = 56 माइनस 20/21 को भी 21, ये 20। तो आपके पास वैल्यू क्या रहेगी, पहले फर्स्ट टू वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, 12 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा देखो, 12 में से 6 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 46 माइनस 20/21, तो ये हो जाएगा 26/21। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। देखो आप इसको कैसे कर सकते हो बेटा, ये कट भी हो सकता है 3 के टेबल पे, अभी मेरे को ध्यान में आया 11, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 और 3, 4 = 12। ये 11 से 1/4 आ जाएगा, तो 11 को अगर आप 4 से डिवाइड कर दो 4 × 8 = 3 बच जाएगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 11/4 को लिख सकते हो 2, सही जो आपके पास लेफ्ट बच गया 3 और डिवाइड बाय 4, 2 सही 3/4 ऐसे लिख सकते हैं आप इसका प्रॉपर आंसर। ऐसे ही 26/21 को आप कैसे लिखोगे देखो, 26 को जो है वो 21 से डिवाइड करके देख लीजिए, 21 × 21 = 5, तो क्या आ जाएगा जो आपके पास आया डिवाइड करके 1, सही जो लेफ्ट बच गया 5 डिवाइड बाय जिससे हम डिवाइड कर रहे थे 21, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम स्टूडेंट, फोर नंबर इसका थर्ड पार्ट,
थर्ड नंबर पार्ट में हमें गिवन है 5 सही 1/6, 3 सही 1/4 प्लस 2 सही 1/3, तो ये हमें गिवन है। तो पहले तो हम इसको जो सिंपल फ्रैक्शन में लिखते हैं, हमें मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है सब कुछ। तो कैसे लिखोगे आप, 5 × 6 देखो आप इसे लिख सकते हो, 5 × 6 प्लस ये 1/6, 3 × 4 प्लस 1/4, 2 × 3 प्लस 1/3, 30 प्लस 1/6, 12 प्लस 1/4, 6 प्लस 1/3, 31/6, 13/4, 7/3। तो क्या आ गया देखो इसके डिवाइड में, 6/4/3। 6/4/3 का आप एलसीएम ले लीजिए, 2 के टेबल पे 3, 2 3, 2 के टेबल पे 3 1 3, 3 के टेबल पे 1 1 1, तो ये आ गया 2 × 4 = 4 3 = 12। 12 आपका इस पूरे वैल्यू का एलसीएम, तो 31/6 को आप 12 से मल्टीप्लाई करो, 6 × 12 तो ये आ जाएगा 62, बीच में नेगेटिव का साइन। 13/4 को भी आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 12 से, तो ये 39 प्लस 7/3 को भी मल्टीप्लाई करोगे 12 से, 3 × 4 = 12 28। तो 12 में से 9 गया 3, 5 में से 3 गया 2, पहले दो वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, अब 28 को इसमें ऐड कर दीजिए, तो यह आ जाएगा आपका 3 और 8 11, 1 3 और 2 5, 51/12। अब आपने इसको डिवाइड कर लेना है 51 को 12, 12 4 = 48, 3 लेफ्ट बच गया, तो जो डिवाइड कर गया है 4, जो हमारे पास डिवाइड कर गया है 4 सही, जो हमारे पास लेफ्ट बच गया 3, और डिवाइडेड बाय जिससे हम डिवाइड कर रहे थे 12, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये भी मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू है ना, पहले इसको सिंपल कैसे करोगे आप, 10 × 5 डिवाइड वाली वैल्यू प्लस ऊपर वाली वैल्यू और डिवाइडेड बाय 5, 2 × डिवाइड वाली वैल्यू 6 प्लस जो ऊपर वाली वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय 6, 5 × डिवाइड वाली वैल्यू 5 प्लस 3 / 5, ये हमें क्वेश्चन में कहा होगा। ठीक है बेटा, तो हम कैसे कर लेते हैं, 10 × 5 = 50 प्लस 3/5, 2 × 6 = 12 प्लस 5/6 25 प्लस 3/5 ये आ गया 53/5, 17/6 और 28/5। तो 5 और 6 दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो पहले 2 से कट करिए 5, 3, 3 से कट करोगे 5, 1, 5 से कट करोगे 1, 2 × 6 = 6, 6 × 5 = 30, तो 30 आपका इस पूरे का एलसीएम आ गया है। अब आप लिख सकते हो 53/5 को 30 से मल्टीप्लाई, तो 5 × 6 = 30, 6 × 3 = 18, 1 × 6 = 30 और 31, 17/6 को 30 से, 17 × 5 = 85 माइनस 28/5 को 30 से, 6 × 8 = 48 और 6 × 12 और 4 = 16, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट टू वैल्यूज को तो आप ऐड कर दो, 8 और 5 = 3, 9 और 1 = 10, 4 × 3 पहली टू वैल्यू को हमने ऐड कर दिया, माइनस 168/30, तो ये आ जाएगा इसमें से 13 में से 8 गया 5, यहाँ 9 9 में 6 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, 235/30, और 235 को आप 30 से डिवाइड करके देख लीजिए, तो 30 के टेबल पे ये 37 × 210, तो 5 2, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7, जो डिवाइड कर गया है वो ऊपर ये वाली वैल्यू जो लेफ्ट बच गया और डिवाइडेड बाय 30, तो ये हमारे पास जो है वो आंसर
आ गया, लेकिन आप इसे लिख सकते हो सेवन सही, फाइव के टेबल पे फाइव, फाइव सिक्स सॉरी सेवन सही, फाइव बाई सिक्स, ऐसे भी आप जो वो कट करके लिख सकते हो, फाइव के टेबल पे कट हो गया फाइव, फाइव फाइव जो ट्वेंटी, और फाइव के टेबल पे सिक्स पे कट हो गया, ठीक है। तो यार देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, व्हाट शुड बी एडेड टू इलेवन बाई फोर्टी एट टू गेट थ्री थर्टीन बाई सिक्स। कह रहे कि फोर्टी इलेवन बाई फोर्टी एट में हमें क्या ऐड करना चाहिए कि हमें थर्टीन बाई सिक्स मिल जाए। तो आप क्या कर लेते हो, लेट कर लेते हो, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स, कि हमें जो वो क्या ऐड करना चाहिए, एडिड नंबर इज इक्वल टू एक्स, कि जो ऐड करना चाहिए उस नंबर को हमने एक्स मान लिया। तो आप किस में करना चाहिए, इलेवन बाई फोर्टी एट, तो आप लिख लोगे इलेवन बाई फोर्टी एट प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, थर्टीन बाई सिक्स, ठीक है ना। इलेवन बाई फोर्टी एट में ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे क्या रिजल्ट क्या जाए, थर्टीन बाई सिक्स। तो हमने उसे एक्स मान लिया, तो नेक्स्ट पेज भी कर रहा हूँ बेटा, देखिए क्या था ये, इलेवन बाई फोर्टी एट प्लस एक्स इज इक्वल टू थर्टीन बाई सिक्स। तो आप लिख लोगे एक्स इज इक्वल टू थर्टीन बाई सिक्स माइनस इलेवन बाई फोर्टी एट, तो एक्स इज इक्वल टू सिक्स और फोर्टी एट का एलसीएम आ जाएगा फोर्टी एट, तो थर्टीन बाई सिक्स को फोर्टी एट से मल्टीप्लाई, सिक्स एट जो फोर्टी एट, एट थ्री जो ट्वेंटी फोर, टू एट वन जो एट और एट वन जो एट और टू टेन, वन जीरो फोर माइनस इलेवन। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास बेटा, वन जीरो फोर में से आप इलेवन को लेस करेंगे। सॉरी सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, सिक्सटीन था, ठीक है। तो हम इसे सही कर लेते हैं, देखो सिक्सटीन से कितने कट हो जाएगा, थ्री पे, तो थर्टीन टू थर्टीन थ्री जगह हो जाएगा थर्टी नाइन, थर्टी नाइन माइनस इलेवन बाई फोर्टी एट, तो थर्टी नाइन में से इलेवन को लेस करोगे तो एट, थ्री में से बन गया टू, ट्वेंटी एट बाई फोर्टी एट। तो आप इसे कैसे कट कर सकते हो, देखो टू के टेबल पे फोर्टीन पे, टू के टेबल पे ट्वेंटी फोर, फिर से टू के टेबल पे सेवन पे, टू के टेबल पे ट्वेल्व, तो सेवन अपॉन ट्वेल्व। तो आप लिखोगे एडिड नंबर इज इक्वल टू सेवन अपॉन ट्वेल्व, कि सेवन अपॉन ट्वेल्व अगर आप ऐड कर देते हो तो वही आप जो वो आपको थर्टीन बाई सिक्स मिल जाता है। इलेवन बाई फोर्टी एट में सेवन अपॉन ट्वेल्व ऐड करते हुए थर्टीन बाई सिक्स आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सिक्स नंबर, सिक्स नंबर में आपको जो है ना ऑफ थ्री बाई टू, एंड तो हमें ये बताना, देखो ऑफ थ्री बाई टू एंड सेवन बाई नाइन विच इज़ ग्रेटर एंड हाउ मच, कौन सा जो इन दोनों में से ग्रेटर है और हाउ मच। तो सॉल्यूशन आप लिख लोगे थ्री बाई टू, थ्री बाई टू एंड सेवन बाय नाइन। तो आपने क्या करना है, थ्री जो उनके डिवाइड में, देखो क्या गिवन है हमें, ये सॉरी ये टू बाई थ्री था, हमें टू बाई थ्री गिवन था स्टूडेंट, मैंने गलती से ये लिख लिया, तो ये टू बाई थ्री है, ठीक है, मैं टू बाई थ्री इसको कर लिया, तो टू बाई थ्री और सेवन बाई नाइन, तो डिवाइड में इसके क्या थ्री, इसके डिवाइड में नाइन, तो निकाल से हम ले लो थ्री और नाइन निकाल से वन थ्री वन वन, तो नाइन इस पूरे का एलसीएम आ गया, एलसीएम कितना आ गया है नाइन। तो आप क्या करोगे, टू बाई थ्री गिवन है ना आपको, डिवाइड वाली वैल्यू को आपको नाइन बनाना है, यानी थ्री को नाइन बनाना है, तो आप कैसे से मल्टीप्लाई कर दोगे थ्री से, तो आ गया सिक्स बाई नाइन, और दूसरे वाली वैल्यू क्या है सेवन बाई नाइन, वो तो पहले से ही नाइन है, वो तो पहले से ही नाइन गिवन है डिवाइड में वैल्यू, तो कौन सा इनमें से बड़ा है, देखो ऊपर क्या है सिक्स, यहाँ पर ऊपर क्या है सेवन, तो ये सेवन बाई नाइन, देखो ये सेवन बाई नाइन बड़ा है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं ग्रेटर इज इक्वल टू सेवन बाई नाइन, सेवन बाई नाइन बड़ा है, लेकिन कितना ग्रेटर है ये अब देखते हैं आगे, और तो हम लिख लेंगे हाउ मच ग्रेटर, हाउ मच ग्रेटर, तो बड़ी वैल्यू क्या है सेवन बाई नाइन, इसमें से स्मॉल वाली वैल्यू लेस कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास नाइन पूरे का एलसीएम, ठीक है ना, दोनों का सेम है तो सेम ही वैल्यू आ जाएगी सेवन बाई नाइन सिक्स वन बाई नाइन, तो कितना ग्रेटर है वन बाई नाइन जो है ग्रेटर है, नहीं ये तो हमें पता चल गया कि सेवन बाई नाइन ग्रेटर है, ठीक है ना, सिक्स बाई नाइन से, तो अब हम कितना ग्रेटर है वन बाई नाइन ग्रेटर है, ये हमने आंसर फाइंड कर दिया, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा। ओके गुड बाय बेटा।